चलिए प्यारे साथियों क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने साथियों, यहाँ पे ए को लिखा जाता है 2 नंबर, इसके बाद एम को लिखा जाता है 26 26 नंबर, इसके बाद जेड को लिखा जाता है साथियों 52 52। उसी प्रकार का कंसेप्ट साथियों आपको नेक्स्ट लागू करना है सीएबी में। नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, तो साथियों सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझिए साथियों, यहाँ पे ए को लिखा जाता है 2 नंबर, तो प्यारे साथियों ए की प्लेस वैल्यू हमें सभी को क्लियर है, ए की प्लेस वैल्यू कितने नंबर है साथियों 1 नंबर अल्फाबेट में, ठीक है। और सिंपली साथियों अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 2 नंबर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट नंबर है M, M की प्लेस वैल्यू आप सभी को अच्छे से क्लियर है 13 नंबर, ठीक है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें साथियों कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं 26 26 नंबर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से प्यारे साथियों नेक्स्ट नंबर हमारे पास है जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू साथियों 26 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 52 52। तो प्यारे साथियों आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार का कंसेप्ट आपको नेक्स्ट अप्लाई करना है, जैसे सबसे पहले हमारे पास सी, सी की प्लेस वैल्यू साथियों 3 नंबर, इसके बाद ए, ए की प्लेस वैल्यू 1 नंबर, इसके बाद बी, बी की प्लेस वैल्यू 2 नंबर, हमारे पास यहाँ पे नंबर प्राप्त होंगे 312। सिंपली प्यारे साथियों अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे 624 नंबर, कितने नंबर प्यारे साथियों 624, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथ। जो भी प्यारे साथियों अल्फाबेट के नंबर आपको यहाँ पे दिए गए सिंपली इसकी प्लेस वैल्यू को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, और जस्ट इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है। प्यारे साथियों इन सभी की जो पीडीएफ है अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे हमने शेयर कर दी है, वहां से आप इजिली इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नीचे आपके पास चार ऑप्शन है, तो साथियों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे साथियों आपके पास यहाँ पे जो वाई टाइप की फिगर दी गई, अगर प्यारे साथियों ऊपर के दोनों अंक को यहाँ पे ऐड करें 21 प्लस 37 तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 58 58। इसी प्रकार से सेकंड में आप चेकआउट कीजिए, 14 और 25 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो साथियों यहाँ पे कितने नंबर 39 39 नंबर। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों नेक्स्ट डिजिट को हमें यहाँ पे ऐड करना है 16 प्लस 81 81 में 16 को ऐड करेंगे साथियों तो यहाँ पे कितने नंबर 97 97 नंबर, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सिंपल है। प्यारे साथियों ऊपर की दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो नीचे जो डिजिट दी गई है ये हमें प्राप्त होने वाली है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, दिए गए शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित अनुक्रम का चयन करें। साथियों आपके पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जैसे फेफड़ा, नासिका, सांस की नली और रक्त, ठीक है। अभी ये शब्द साथियों आपके अव्यवस्थित क्रम में है, आपको इनको यहाँ पे व्यवस्थित क्रम में करना है, यानी इनमें सबसे पहली कौन सी क्रिया होगी, इसके बाद सेकंड कौन सी और लास्ट कौन सी। तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, इन चारों क्रियाओं में साथियों सबसे पहले कौन सी क्रिया, नासिका, ठीक है, यानी 2 नंबर, जो हमारी नासिका होती है, और नासिका से क्या कनेक्ट होती है साथियों, सांस की नली, इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर। नासिका से क्या कनेक्ट होती है साथियों, यहाँ पे सांस की नली, ठीक है, और सांस की नली किससे कनेक्ट होती है साथियों, फेफड़ों से, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर। बाद प्यारे साथियों यहाँ पे रक्त यानी कि ब्लड 4 नंबर, ठीक है। तो प्यारे साथियों इसका व्यवस्थित क्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा 2 3 1 4, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे नासिका, इसके बाद सांस की नली, इसके बाद फेफड़ा और लास्ट में साथियों रक्त, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में विषम का चयन करें। साथियों नीचे आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन में अलग अलग शब्द दिए गए, ठीक है, इन चारों में साथियों 3 में एक जैसी समानता है, सिमिलरिटी है, एक समान है, ठीक है, और एक साथियों इनसे भिन्न है यानी कि अलग है, उसको आपको यहां पे फाइंड आउट करना है।
तो साथियों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेकआउट कीजिए। साथियों ए से सी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर ए में हम 2+ करें, सी से ई अगर सी में हम 2+ करें, ठीक है। ए में प्यारे साथियों दो दो नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है। इसके बाद ऑप्शन बी को आप चेकआउट कीजिए। एफ से एच हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर एफ में हम 2+ करें, एच से जी अगर एच में हम 2+ करें, इसका मतलब बी में भी प्यारे साथियों दो दो नंबर की वर्दी की गई है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन सी को आप चेकआउट कीजिए। के से प्यारे साथियों एल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर के में हम 1+ करें, एल से एम अगर एल में हम 1+ करें। तो प्यारे साथियों यहां से हमारा ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इन चारों में भिन्न कौन सा साथियों, के एल एम। कंसेप्ट क्या प्यारे साथियों, एक नंबर दो नंबर और चार नंबर में एक जैसी समानता रहने वाली, ठीक है। इनमें साथियों यहाँ पे दो दो नंबर की वर्दी की गई, जबकि ऑप्शन सी में जो शब्द के एल एम इनमें प्यारे साथियों यहाँ पे एक एक नंबर की वर्दी की गई। जब प्यारे साथियों इस प्रकार का आपको प्रश्न दिखाई दे तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने ऑप्शन आपको यहाँ पे चेकआउट करने हैं, तीन, ठीक है। तीन में साथियों जो ऑप्शन आपको भिन्न दिखाई दे वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अभी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं ऑप्शन डी को भी। एस से यू साथियों, एस में अगर हम 2+ करें, यू से डब्लू अगर यू में हम 2+ करें, आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में एक जैसी समानता है, इनमें दो दो नंबर की वर्दी की गई है। और इनसे अलग क्या है साथियों, ऑप्शन सी जिसमें एक एक नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है। उम्मीद करते आपका जो कंसेप्ट है अब बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। अपने आगे बैठी महिला को देखकर रमन कहता है, साथियों ब्लड रिलेशन से आपका ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो आगे बैठी महिला को देखकर कौन कहता है साथियों, रमन। मान लीजिए हमारे पास ये रमन है, ठीक है, और किसकी तरफ इंडिकेट किया साथियों, इसने महिला की तरफ कुछ इस प्रकार से। इससे आगे ध्यान से देखिए, वह मेरी पत्नी, ये किसने कहा साथियों, इस रमन ने कहा इस महिला को देखकर, ठीक है। इसने कहा यह जो महिला है वह मेरी पत्नी, इसका मतलब पत्नी इक्वल है, तो यहां पे इसको नोट डाउन करेंगे कुछ इस प्रकार से। वह मेरे पत्नी के पति, इसका मतलब साथियों आपकी पत्नी के पति कौन है साथियों, आप स्वयं ही हैं, ठीक है। मतलब रमन अपने आप के बारे में ही इंडिकेट किया है, मेरी पत्नी के पति कौन है साथियों। ये कंडीशन किसके लिए अप्लाई की है, रमन ने अपने आप के लिए, ठीक है। इससे आगे चेकआउट कीजिए, मेरी पत्नी के पति की बहन है, इसका मतलब साथियों ये जो महिला है ये कौन है साथियों, इस रमन की बहन है। तो एग्जाम ने आपसे पूछा महिला रमन से कैसे संबंधित है, ये महिला रमन से कैसे संबंधित है साथियों, इसकी बहन है, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, किसी निश्चित कोड भाषा में साथियों इस शब्द को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। तो उसी कूट भाषा में प्यारे साथियों इस शब्द को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को विद इन कुछ ही सेकंड में सॉल्व आउट करने के लिए प्यारे साथियों अल्फाबेट के रियल और अपोजिट मान आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जो हमने विद ट्रिक के साथ आपको करवा रखे। प्लेलिस्ट में अलग से इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसे वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले R से Q हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर R में साथियों एक नंबर की यहाँ पे कमी करें, ठीक है। R की प्लेस वैल्यू 18 और Q की प्लेस वैल्यू 17। इसके बाद O से N, O में साथियों एक की कमी करेंगे तो हमें N प्राप्त होगा। इसी प्रकार से साथियों B से A हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर B में हम एक की कमी करें, U से T, U में अगर एक की कमी करें, S से R, अगर S में एक की कमी करें, और लास्ट अक्षर हमारे पास टी, टी से एस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसमें एक की कमी करें। इसका मतलब प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रथम शब्द से हम सेकंड शब्द को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर पहले शब्द के सभी अक्षरों में एक एक नंबर की यहाँ पे कमी करें, ठीक है। तो साथियों इसी प्रकार का कंसेप्ट आपको इस शब्द में अप्लाई करना है, सभी अक्षरों में एक एक नंबर की आप यहाँ पे कमी कीजिए। जैसे सबसे पहले अगर हम जड़ में एक की कमी करें तो साथियों कौन सा अक्षर हमें प्राप्त होगा यहाँ पे, वाई। इसी प्रकार से x में अगर हम एक की कमी करें तो हमें कौन सा अक्षर यहाँ पे प्राप्त होगा साथियों, w। इसके बाद c में अगर एक की कमी करें तो अक्षर b। इसके बाद m में एक की कमी करें, l। इसके बाद m में एक की कमी करें, l। और लास्ट p में साथियों एक की कमी करें, o, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपके पास यहाँ पे जो शब्द दिया गया, अगर इसके सभी अक्षरों में एक एक नंबर की हम कमी करेंगे तो हमें कौन सा शब्द यहाँ पे प्राप्त होगा, वाई डब्ल्यू बी एल ओ, जो कि इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर एक के अंदर। करते आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है।
नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों, 17 जून 1998 का कौन सा दिन था? नीचे आपके पास चार ऑप्शन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न पीछे हम काफी वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। और प्यारे साथियों ये कैलेंडर से रिलेटेड आपका प्रश्न रहेगा। कैलेंडर का प्यारे साथियों कंप्लीट टॉपिक हमने डाल रखा है, प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएगा। तो साथियों ये प्रश्न आप सभी के लिए, इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। 17 जून 1998 का कौन सा दिन है? नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। उम्मीद करते प्यारे साथियों आज के सभी प्रश्न और इनके कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।